तू रख हौसला, मंजिल आसान होगी, चारों दिशाओं में बस तेरी ही पहचान होगी, झुकेगा आसमां भी एक दिन तेरे हुनर के आगे, तेरी सफलता इस जहां के लिए निशान होगी। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मेरा गांव धर्मपुर है। हमारी जो तहसील है वो हरोली है और हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना है। मैं शाइनी शर्मा। मैं शक्ति प्रकाश शर्मा। मेरा नाम बनीता शर्मा है, इनकी मैं चाची हूँ। मेरा नाम देवकरण है, मैं मीनाक्षी जी का कजन ब्रदर हूँ, उनके चाचा जी का बेटा। विधानसभा क्षेत्र हरोली की बेटी मीनाक्षी शर्मा की प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से पीजीटी परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा, वो जैसे पुराने लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा सबसे अच्छा जिला गहना है और तुम्हारी पढ़ाई हुंदी। तो शी इज ऑलवेज मोटिवेशन फॉर अस, वो हमेशा हमें जैसे हमें पढ़ाई में हेल्प करते हैं। मेरी बेटी छोटी है, वो इससे पढ़ती है, इससे मतलब ट्यूशन लेती है, उनको भी ये रहता है कि हम बच्चों ये दीदी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मीनाक्षी एक ऐसे समाज से निकलकर आगे बढ़ी हैं जहां पर बेटियों को स्कर्ट तक पहनने की इजाजत नहीं थी। और हमारी यूनिफॉर्म थी स्कर्ट्स, तो मतलब उन्होंने उस चीज को सोसाइटी को ये रियलाइज करवाया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा की इतनी ब्रॉड थिंकिंग है, उन्होंने ये रियलाइज करवाया कि बच्चे के स्कर्ट्स पहनने, शॉर्ट्स पहनने से कुछ नहीं होता है, बच्चे की थिंकिंग कैसी है, उसको हम अच्छा एक्सपोजर दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका नाम बनाएगा। मीनाक्षी ने अपनी शुरू की पढ़ाई डीएवी स्कूल ऊना से पास की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऊना से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहिए ताकि मैं और सीख सकूँ, इसलिए फिर मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट की। उसके बाद मुझे लगा कि अब आगे और पढ़ना चाहिए, जब आप इतनी अच्छी जगह पहुँच गए हैं तो आपको और सीखना चाहिए। फिर मैंने वहाँ पर एमफिल में एडमिशन लिया और वहाँ मैंने एमफिल में बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च की। एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके बाद उनका चयन दिल्ली के एक निजी स्कूल में हुआ। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से पीजीटी की परीक्षा के लिए भी खुद को तैयार किया। और आज मुझे, मैं वहाँ सिलेक्ट हुई एचपीएससी के द्वारा। अब बस मेरा यही टारगेट है कि जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो सीखा है वो मैं अपने, जो मेरा हिमाचल है, वहाँ के बच्चों को सिखाऊं कि दिल्ली में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में हम कैसे जाएं, हम क्या करें। तो मेरा मेन पर्पस अब यही है कि मैं अपने एरिया की किस तरह से मदद करूं। उनकी छोटी बहन भी उनके नक्शे कदमों पर चलकर सफलता की मिसाल बनना चाहती है। इसलिए मैं यही कहूंगी पूरे यूथ को, पूरे अपनी हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पूरे ऊना डिस्ट्रिक्ट को, कि हमें लड़कियों को रोकना नहीं चाहिए। हम चार की बजाय आप और घरों में भी देखोगे बहुत सी लड़कियां जिन्होंने बहुत आगे नाम कमाए हैं। मीनाक्षी के पिता शक्ति शर्मा एक वकील हैं। वह बताते हैं कि उनकी चार बेटियां और एक बेटा है। उनकी माता का कहना है कि उन्हें पढ़ाई करने का अधिक मौका नहीं मिल पाया। जीवन में एक सपना था, एक उद्देश्य था कि सभी बच्चे एक समान होते हैं, बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं। मुझे इन पर और अपने बेटे पर पूरा गर्व है। जो मेरी मन की इच्छा थी ना, वो इन्होंने पूरी कर दी बस। तो चलो, बच्चों ने, जब मैंने मेहनत की तो इन्होंने मुझे फल भी दिया। जल्दी हम आपके समक्ष हरोली के एक और युवा जोश की नई कहानी लेकर हाजिर होंगे।